जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मिस्टर स्कैल्पर की एक और नई वीडियो में, और मैं हूं आप सभी का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं TTML शेयर के बारे में। तो भाई, पिछले एक हफ्ते में TTML में वही हुआ जिसका मेरे को डर था और जिसके बारे में मैं आप लोगों को बहुत टाइम से चेतावनी दे रहा था। अब इस वीडियो में बाकी सारी चीज़ें और लोगों ने क्या कमेंट किए हैं उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही में भाई, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो भाई YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, और साथ ही में भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि आज ही टेलीग्राम चैनल पे एक बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल दिया था और वहाँ से आपको ईजी 300 पॉइंट बैंक निफ्टी देके गया है, ठीक है। तो भाई बहुत लेवल इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो वहाँ पर आपको बता दिए जाते हैं। मेरा कोई भी पर्सनल ट्रेड होता है, अभी मैं कोई इन्वेस्टमेंट पर्सनली नहीं कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर अ करेक्शन, ठीक है। बाकी भाई सबकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है, लेकिन मैं इस वक्त जो है इन्वेस्ट नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल है इस वक्त इन्वेस्टमेंट ग्रेड के स्टॉक ढूंढना, और कोई स्टॉक होता है उसके रिलेटेड जो है मैं आपके लिए वीकेंड पे जो है वो वीडियो बना देता हूँ। जैसे अभी मैंने पिछले हफ्ते जो वीडियो बनाई थी वहाँ से आपको JP पावर ने भाई 20% का रिटर्न दे दिया 2 दिन में, तो भाई अब इससे ज़्यादा रिटर्न आपको क्या ही चाहिए। तो यार चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार बहुत टाइम से, मतलब पिछले एक हफ्ते से अगर आप देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगातार लोअर सर्किट मार के, 5 लगातार माफ़ कीजिएगा, लोअर सर्किट मार के हमारा TTML फाइनली आज अपर सर्किट पे है। अब सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा सवाल मेरे पास आ रहा था इस चीज़ को लेकर, कि भाई मैं TTML के शेयर बेच क्यों नहीं पा रहा हूँ, क्या भसड़ हो रही है, मेरे शेयर बिक क्यों नहीं रहे हैं। तो भाई उन लोगों को मैं बता देता हूँ, तो भाई जितने भी लोग हैं जिन्हें इनके बारे में नहीं पता, अपर लोअर सर्किट्स के बारे में, उन्हें मैं बता देता हूं, जब लोअर सर्किट लगता है आप अपने शेयर को नहीं बेच सकते, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूं, जब शेयर भाग रहा हो या जब शेयर अपर सर्किट लगा रहा हो तब आपको बेचना चाहिए। अपर सर्किट में आप बेच सकते हो, खरीद नहीं सकते, लोअर सर्किट में आप खरीद सकते हो, बेच नहीं सकते। पहली चीज़ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सर्किट्स के बारे में, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा था कि वो बेच नहीं पा रहे, उन्होंने नीचे के लेवल पे ख़रीदा हुआ है मगर वो बेच नहीं पा रहे। तो भाई ऑपरेटर की मर्ज़ी होती तो वापस नीचे 2 रुपये तक भी लेके जा सकता था, वापस नीचे ये 1-2 रुपये तक भी लेके जा सकता था अगर ऑपरेटर की मर्ज़ी होती तो। ये ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है, इसके लिए मैंने आपको पहले भी चेताया था, क्योंकि इतनी बड़ी कोई तेज़ी आना न्यूज़ से पहले सिर्फ स्पेकुलेशन बेसिस पर और ऑपरेटर के द्वारा कराई जा रही थी, बाकी उसका कोई बेस नहीं था, जो कि हमने रिजल्ट्स में देखा। बाकी सारी चीज़ें हम इनडेप्थ जो है फंडामेंटली भी इसे देखेंगे, मगर उससे पहले ये तेज़ी क्यों बनी हम उसके बारे में जानते हैं। तेज़ी ये बनी इस वजह से क्योंकि टाटा ने क्या किया भाई, जनवरी के टाइम में जब इसमें तेज़ी होनी शुरू हुई थी उससे पहले रिपोर्ट्स बहुत सारी आनी जो है वो शुरू हो गई थी। आपको तो पता है किस तरह से बाजार जो है वो चलता है, तो हर तरफ एक रिपोर्ट आ रही थी कि जो टाटा है वो बिग बास्केट और 1MG का जो है वो एक डील जो है वो फाइनल होने वाली है, जिसमें $1.3 बिलियन की जो डील है उसके बारे में बात चल रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई जब भी टाटा ये सुपर ऐप बनाएगी, तो भाई टाटा मान लीजिए आप अपनी कोई कंपनी खोलते हैं तो आप अपने विश्वासु आदमी या आपका कोई बंदा होता है उसे ही तो टेक्निकल बेस का काम देते हैं ना स्टार्टिंग में, तो जब तक आपका भाई इतना बड़ा ना हो कि एक टेक्निकल पूरा वो बन जाए, एक अलग से एक ग्रुप बन जाए, पहले तो आप एक ऐसा बंदा ही ढूंढते हैं ना, या अपनी खुद का एक जानने वाला ढूंढते हैं ना जो आपका टेक्निकल काम देख सके। इस वजह से ये बात चल रही थी कि जो टाटा सुपर ऐप बनेगी इससे क्या होगा, जो TTML है उसको जो है काम मिलेगा, TTML को काम मिलेगा टाटा सुपर ऐप में, और ज़बरदस्त जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वॉलमार्ट का आप $200 बिलियन का माफ़ कीजिएगा इन्वेस्टमेंट देख लें, या $1.2 बिलियन हम यहाँ पे देख लें, तो इससे आपको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। फिर ये लोअर सर्किट क्यों लगे, लोअर सर्किट लगने की कोई वजह नहीं है, सिर्फ एक वजह है, रिज़ल्ट। मैंने आपको हर बार बोला है स्टॉक मार्केट किस तरीके से काम करता है भाई, स्टॉक मार्केट काम करता है रूमर्स पे भगाओ और न्यूज़ पे बेचो।
मगर हमारे रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो न्यूज़ पे खरीदते हैं और रूमर्स पे भरोसा नहीं करते हैं। ठीक है, रूमर्स के टाइम पे वो कहते हैं भाई रूमर्स हैं, न्यूज़ आएगी ऑफिशियल बाहर निकलेगी तो हम खरीदेंगे। स्पेकुलेट करने की उनकी ज़्यादा वो नहीं रहती। ठीक है, ज़्यादा स्पेकुलेशन वैसे करना भी नहीं चाहिए, स्पेकुलेशन में फंसना भी नहीं चाहिए, मगर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में जो है वो यहाँ रखनी चाहिए कि TTML में जो ये लोअर सर्किट लगे हैं वो इस वजह से लगे थे ऑपरेटर द्वारा जिससे कोई प्रॉफिट बुक ना कर पाए, पहली चीज़ ये आपको समझनी है। दूसरी चीज़, ये लोअर सर्किट किस वजह से लगे थे, अगर आप इसके रिज़ल्ट देखें, ये screener.com है, बहुत सारे लोग पूछते हैं ये कहाँ से मैं इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ, तो भाई screener.com है। ठीक है, screener.com, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप दे दूंगा मैं आपको, आप लोग वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। उसमें अगर आप देखें कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस आपको करना हो किसी भी स्टॉक का, आप वहाँ पर कर सकते हैं। और ये .com जो है वो खुद बता देता है कि भाई इसके कोई फंडामेंटली कोई प्रोज हैं या कॉन्स हैं। अब screener.com मेरे को चीख चीख के बोल रहा था कि इस कंपनी के सिर्फ कौन ही कौन है, कोई प्रोज है ही नहीं, पहली चीज़। तो एक तो ये सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ सामने हमारे सामने निकल के आ गई। दूसरी चीज़, अगर आप बात करें रिजल्ट्स में, तो TTML के रिजल्ट्स में अगर आप देखें तो बहुत मामूली बढ़त हमें देखने को मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आई थिंक ये 2019 के लेवल्स तक पहुँच गया, मतलब बहुत एक कहते ना तोड़ फोड़ रिजल्ट टाइप अगर देखें तो वो हमें देखने को नहीं मिले इस क्वार्टर में। अगर आप जून और सितंबर के क्वार्टर की बात करते हैं तो उस हिसाब से मिले थे, मगर जो दिसंबर क्वार्टर था उसमें उतने अच्छे रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिले हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पे देखें आज जो है तेज़ी की क्या वजह थी, बहुत सारे लोग पूछ रहे कि दोबारा क्या ऑपरेटर का गेम है या क्या वजह है, क्या कोई न्यूज़ आई है जिस वजह से इसमें ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिली है। तो भाई आज बिल्कुल एक न्यूज़ आई है, आज की ही डेट है और लगभग 4 बजे ये न्यूज़ आई है, ये लोगों के बीच में आई है। अब पहले लोगों को पता चल गई थी, ऑनलाइन आ गई थी, ये सारी चीज़ें हैं। रिपोर्ट सामने निकल कर आई है कि जो टाटा ग्रुप है वो अब 1.2 बिलियन की जगह 1.3 बिलियन का स्टेक खरीदने वाला है बिग बास्केट में, 68% स्टेक खरीदेगा 9,500 करोड़ का। तो जो पहले जो सिर्फ 8,000 कुछ करोड़ की बात हो रही थी, अब 1,000 करोड़ की डील बढ़ चुकी है। और ये न्यूज़ शायद पहले लीक हो गई थी सोशल मीडिया वगैरह पर, और अब देखो यार ये न्यूज़ की वजह से आज ज़बरदस्त तेज़ी फिर से इसमें देखने को मिल गई, क्योंकि ये नीचे जा रहा था तो कुछ ना कुछ तो चाहिए था ऊपर ले जाने के लिए। देखिए, बहुत लोग इसमें मेरे को कहते हैं कि मैं इस स्टॉक को लेकर थोड़ा नेगेटिव हूँ, थोड़ा पॉजिटिव बोलना चाहिए, अच्छी कंपनी है ये है, तो भाई मैं भी पॉजिटिव हूँ इस स्टॉक को लेकर, मगर आपको इतना जो है जब आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका मिल रहा था ऊपर के लेवल पर, जब आपको 20-22 रुपए में ये अपर सर्किट मार रहा था, उस वक्त आपको प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए था एक बार के लिए। ठीक है, अगर आप शॉर्ट टर्म या पोजिशनल ट्रेडर हो तो, अगर आपने हीरो ज़ीरो के लिए नीचे के लेवल पे 4-5 रुपए के लेवल पे लिया हुआ है कि भाई या तो ये चलेगा तो 100-200 जाएगा तब बेचूंगा मैं, या तो बेचूंगा ही नहीं, तो फिर आपको रोज़ रोज़ रेट देखने की ज़रूरत नहीं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करो भाई, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगा वो आपको मैं सबसे पहले बता दूंगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आप देखें, जो इसने सपोर्ट लिया है अगर मैं मंथली चार्ट पे देखूं तो एग्जैक्ट ये जो लेवल मैंने आपको बताया था 14.40 रुपये, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और यहीं से इसने सपोर्ट लेता हुआ दिखा है, क्योंकि यहाँ पे इसने अगर आप देखें तो एक बार, दो बार, तीन बार जो है सपोर्ट लिया था, तो अब ये चौथी बार भी यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ हमें देखने को ज़रूर मिलेगा, ये मेरे को उम्मीद है। ठीक है, अब टेक्निकली क्या लेवल बनता है पहले तो हम वो समझते हैं, उसके बाद देखते हैं न्यूज़ फ्लो का क्या आगे आने वाले कुछ दिनों में असर मिलता है। अगर हम टेक्निकली लेवल्स देखें, और चार्ट को मुझे थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है इसमें अगर आप देखें तो कैंडल्स बहुत छोटी बनती हैं, इसलिए जो टेक्निकल एनालिसिस होता है इसका, इस स्टॉक का करना, दैट इज़ रियली रियली डिफ़िकल्ट। अगर आप यहाँ पर देखें तो इसने एक बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पर लिया है, अगर ये इस स्टॉक को सपोर्ट ब्रेक होता है तो, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, कोई भी इस स्टॉक का पास में सपोर्ट नहीं है, इसलिए जब आपको, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं और ट्रेडिंग ही सिर्फ करना चाहते हैं इस स्टॉक में, इन्वेस्टमेंट करके नहीं बैठना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप अपना प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बुक करते रहें, क्योंकि ऑपरेटर का कोई भरोसा नहीं आपको गलत जगह ट्रैप करके। जो टेक्निकली सपोर्ट बनता है वो 8.85 रुपये बनता है, उससे पहले मेरे को इसमें कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा है। अगर ये 14.40 का सपोर्ट जो है वो नीचे की साइड तोड़ता है तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझनी होगी। तो सपोर्ट बहुत लो रेंज पर है,
अगर मैं बात करूं इस सपोर्ट की जहां पे लिया, ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है जो कि मैंने आपको बताया, मगर आप ऊपरी लेवल क्या बनेगा, ऊपर की साइड अगर ये यहां से रिवर्स होता है तो पहला लेवल ये 20-21 रुपये दोबारा ज़रूर जाएगा, और वो निकालता है तो ये बिना रुके 27-26 लेवल के ऊपर ज़रूर जाएगा। ठीक है, मैं अब इस बात को बहुत सारे लोग ले लेंगे, भाई तुमने बोला 27-26 जाएगा, नहीं भाई मैं बोल रहा हूँ लेवल की बात। 14-14.5 का जो सपोर्ट है ये अगर ये तोड़ता है तो ये 8.5 तक जाएगा, बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि यहीं पे एक स्ट्रॉन्ग बेस मेरे को दिख रहा है। अगर ये यहाँ से ऊपर की साइड जाना शुरू हुआ, जो कि न्यूज़ आई है दोबारा, ये रिपोर्ट्स की बातें चल रही हैं और ये सारी चीज़ें सामने निकल के आई हैं हमारी लेटेस्ट अपडेट में, तो हमें पहला जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो 20.45 रुपये और 26.60 रुपये पे अपर साइड में जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको आप नोट करके रखिए, जो कि मुझे लॉन्ग टर्म चार्ट्स में जो है वो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। बाकी तो भाई इन्वेस्टमेंट आपकी है, फैसला आपको ही लेना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम।